नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित गुप्ता। मैं आज मैं बात करूंगा कुछ टॉपिक के बारे में। जी हाँ, मैं क्योंकि आपने बी फार्म कर लिया, एम फार्म कर लिया, उसके बाद आप सोचते हैं कि नहीं हमें कॉर्पोरेट में जाना है यानी सीआरओ में जाना है, आपने ऐसा कुछ प्लान किया है, तो मैं बता देना चाहता हूँ उसके लिए काफी चीजें जरूरत होती है जो कि कॉलेज में आपके जो बी फार्म सिलेबस है, एम फार्म सिलेबस है, उसमें नहीं होती है। तो इसके लिए हमने एक प्रोग्राम चालू करने जा रहे हैं, जिसमें क्या होगा कि मैं आपको एडिशनली जो भी होता है, जो अभी मार्केट में जिस चीज़ की जरूरत है, जो डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग आपको हम चीज़ को अपडेट करने की कोशिश करूंगा। इसमें मैं प्रोग्राम इस चीज़ के कर रहा हूँ, एक क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट हो गया, फार्माकोविजिलेंस हो गया, क्लिनिकल ट्रायल्स हो गया, रेगुलेटरी अफेयर हो गया, ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको वीडियो कई सारे वीडियोस में हर टॉपिक पे बनाने की कोशिश करूंगा और आपको देने की कोशिश करूंगा। पहले मैं फार्माकोविजिलेंस को बताऊं, क्योंकि सारे लोग होते हैं जो फार्माकोविजिलेंस में जाना चाहते हैं, बट उनको फार्माकोविजिलेंस में क्या करना है, क्या क्या चीज़ें पूछी जाएगी इंटरव्यू में, इन तमाम सारी चीज़ों को मैं इस वीडियो जो सिक्वेंस आएगा मैं आपको बताने की कोशिश करते रहूँगा। क्या क्या रेगुलेटरी अपडेट्स है, उसमें किस तरह के क्वेश्चन आपके इंटरव्यू पूछे जाएंगे, यदि आप किस कंपनी में जाना है, इस उसमें भी बहुत सारे फार्माकोविजिलेंस में बहुत सारे जो सेक्शंस हैं, जिसमें सिग्नल डिटेक्शन का अलग डिपार्टमेंट होता है, एग्रीगेट रिपोर्टिंग का अलग होता है, आईसीएसआर का अलग होता है, लिटरेचर सर्च का अलग होता है, क्लिनिकल ट्रायल केसेस बहुत सारी कंपनीज में आते हैं उसका अलग होता है, एंड बहुत सारे डिफरेंट जो कंपनीज होती हैं उसके अलग अलग चीज़ें होती है। तो इसमें आपको मैं बताने की कोशिश करते रहूँगा कि किस किस हर टॉपिक में कि फार्माकोविजिलेंस क्या है, कैसे क्यों करते हैं आखिर, इसमें क्या क्या है, क्या क्या ऑप्शंस हैं, किस तरह की हमें पढ़ाई करनी चाहिए, और जो आपको एक इंटरव्यू में और आपको जो एक बेस ताकि आपको मजबूत हो। तो अभी मैं कुछ दिन आप यदि आप इस तरह का वीडियो यदि चाहिए तो मैं आपसे आग्रह करूँगा कि आप अपना रिव्यू दें, उसके अकॉर्डिंग ही हमारे कई सारे टीम हैं जो इस पर काम करना चाहती है, फिर उसके हिसाब से हम अपना काम इस पर फार्माकोविजिलेंस जो एक्टिविटी है हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, प्लीज ज्वाइन अस द वॉइस ऑफ फार्मेसी रोहित गुप्ता। थैंक यू सो मच।